बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। एज यू नो दैट वी आर स्टडिंग चैप्टर नंबर 9 ऑफ योर सी लैंग्वेज पोर्शन एंड द चैप्टर नेम ऑफ दिस चैप्टर इज एलिमेंट ऑफ सी। टुडे इज आवर लेक्चर नंबर 16 एंड आवर टॉपिक इज कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इन लास्ट लेसन वी हैव लर्न अबाउट द इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिक्रीमेंट ऑपरेटर, हाउ कैन इट रिप्रेजेंट? डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय माइनस माइनस साइन। एंड हाउ द इंक्रीमेंट ऑपरेटर रिप्रेजेंट? इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस प्लस साइन। Got it girls? ठीक है, अब हमारे पास आज जो हम अब पढ़ेंगे दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर था, उसके बाद हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर था। अब हम जो पढ़ेंगे आपके पास वो होगा हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ द टू ऑपरेटर। जब हम टू ऑपरेटर को हम कंबाइन करते हैं तो दैट इज नोन एज कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। देखिए, सिंपल अगर मैं असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करूं तो असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास कौन सा साइन होता है? हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर का साइन होता है इक्वल का साइन। इस इक्वल के साइन के साथ अदर ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं मेरे पास? होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। अगर मैं इन ऑपरेटर को असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ कंबाइन कर देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई राइट प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल, सो दीज आर साइन विच आर नोन एज कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। गॉट इट? जब मैंने हमारे पास डिफरेंट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को या किसी भी अर्थमेटिक ऑपरेटर को जब मैं इक्वल के साथ मर्ज कर दूँगी तो वो हमारे पास कौन सा ऑपरेटर कहलाएंगे? कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाएंगे। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल कैसे लिखूँगी? जे प्लस फाइव, जे प्लस इक्वल टू फाइव। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? इट्स मीन कि वी हैव टू इंक्रीज वैल्यू ऑफ जे बाय फाइव। कि जे की वैल्यू में मैंने क्या प्लस कर देना है? फाइव। इसको हम सिंपल फॉर्मेट में इस तरह लिख सकते हैं कि जे इक्वल टू जे प्लस फाइव। ठीक है, यानी कि हम जे की वैल्यू में फाइव को प्लस कर देते हैं। जे की जो भी वैल्यू होगी उसमें हम फाइव को क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। अनदर एग्जाम्पल आई हैव जे माइनस इक्वल टू फाइव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मीनिंग इज दिस, वी हैव टू डिक्रीज फाइव इन द वैल्यू ऑफ जे। डिक्रीज माइनस मीन्स डिक्रीज फाइव इन द वैल्यू ऑफ जे। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जे इक्वल टू जे माइनस फाइव। गॉट इट? अब आपके पास एक और मैं एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करूँगी। वी हैव एग्जाम्पल विच यू गिवन इन योर बुक, जे इक्वल टू टेन एंड जे मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू फाइव। सो वट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट इज दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय फाइव टू द वैल्यू ऑफ जे। वट इज़ द वैल्यू ऑफ जे? टेन। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है कि जे की जो भी वैल्यू होगी उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे फाइव के साथ। तो जे की वैल्यू क्या है? टेन। टेन मल्टीप्लाई बाय फाइव दैट इज फिफ्टीन। सो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस नाइन वट विल बी द आंसर? द वैल्यू ऑफ जे इज विल बी 50। गॉट इट? हियर वी हैव अनदर एग्जाम्पल, जे इक्वल टू 10 एंड जे डिवाइड इक्वल टू 5। हाउ इट विल बी एग्जीक्यूट? व्हाट विल द आंसर आफ्टर एग्जीक्यूशन? ये जो लाइन है इसका मीनिंग क्या होता है? जे इक्वल टू जे डिवाइडेड बाय 5। तो जे की वैल्यू क्या है? 10। 10 डिवाइडेड बाय 5, इसका मतलब क्या हो गया? आफ्टर एग्जीक्यूशन दिस स्टेटमेंट, जे इक्वल टू 2। गॉट इट? ठीक है, अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दो तीन एग्जाम्पल दूंगी, आपने इनको प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको कंपाउंड स्टेटमेंट को मोर आप लोग अंडरस्टैंड कर सको। नाउ गर्ल्स, हियर वी हैव सम एग्जाम्पल, वी हैव टू सॉल्व देम वन बाय वन। यू हैव टू ऑल्सो प्रैक्टिस दैम। ठीक है, आप लोगों ने भी इसको इन सारे एग्जाम्पल्स को सेपरेटली आप लोगों ने अपने रजिस्टर पर प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। ये हम प्रीवियस वाला
ही रिवाइज कर रहे हैं. इसमें आप देखिएगा x की वैल्यू है 3. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x? 3. y इक्वल टू x प्लस प्लस. अब मुझे बताएंगे क्या होगा हमारे पास, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ द x एंड द y? x की वैल्यू पहले यहाँ पर कौन सा है आपके पास? ये आपके पास बाद में पहले स्टोर्ड होगी वैल्यू, x की वैल्यू y में स्टोर्ड हो गई, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 3. और 3 में 1 प्लस हो गया, तो ये x की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई. ये हमने कल का कॉन्सेप्ट हमने ये पढ़ा हुआ है. अगेन अब हम यहाँ पर करते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट. x की वैल्यू है 3, x प्लस इक्वल टू मीन्स कि हमें x की वैल्यू में कितने प्लस करने हैं? 2. तो x की वैल्यू क्या है? 3. 3 में हम क्या प्लस करेंगे? 2. तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x आफ्टर एग्जीक्यूशन टू दिस लाइन? 5. नहीं आए समझ में? देखें x की वैल्यू है 3. इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? मीन्स x प्लस इक्वल टू मीन्स x की वैल्यू को हमने कितना प्लस करना है? 2 नंबर. तो x की वैल्यू 3 थी, इसमें हमने 2 प्लस कर दिया, तो दैट विल बी 5. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? x की वैल्यू 2, x प्लस इक्वल 3 मीन्स x की वैल्यू में हमने कितने प्लस करना है? 3 प्लस करना है, तो दैट विल बी, x की वैल्यू 2 थी, 2 प्लस 3 5. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आफ्टर एग्जीक्यूशन टू दिस लाइन? 5. नाउ कम ओवर हियर. हियर वी हैव a इक्वल टू 13, a प्लस इक्वल 4 मीन्स वी हैव टू ऐड 4 टू द वैल्यू ऑफ a. a की वैल्यू क्या है? 13. तो a में हमने कितना प्लस करना है? 4. तो इसको कैसे लिखेंगे? 13 प्लस 4, a की वैल्यू आफ्टर एग्जीक्यूशन टू दिस लाइन 17. नाउ लास्ट वन, x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू x डिवाइड इक्वल टू 3. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? कि हमने x की वैल्यू को किससे डिवाइड करना है? 3 से. सो हम जब x को 3 से यानी कि 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू होगी 4 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 1.3. सो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? 1.3. गॉट इट? उसके बाद हम यहाँ पर इस एग्जाम्पल पर आ जाएँ. देखिए यहाँ पर हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी अप्लाई हुआ है, कंपाउंड स्टेटमेंट भी हो रही है. इस ऑपरेटर का मकसद होता है कि पहले वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाए और फिर उसके अंदर इंक्रीमेंट होगा. तो पहले हम ये वाला स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट करवाते हैं. इसकी फर्स्ट के x प्लस एक्स. अब x की वैल्यू क्या है? 2. 2 में x प्लस कर दें. x की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2 ही है. तो हम क्या करेंगे? x में क्या प्लस कर देंगे? 2 प्लस कर देंगे. तो x में 2 प्लस करें, 2 प्लस 2 4, ठीक है. और हमारे पास 4 में हम क्या करेंगे? फिर अगेन हम क्या कर देंगे? 4 में 1 प्लस कर देंगे. देखिए x प्लस एक्स मीन्स 2 प्लस 2, x की वैल्यू में x को प्लस कर देना है. 2 की x की वैल्यू थी 2, 2 प्लस 2 4, और 4 में फिर अगेन इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे. इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है प्लस 1, तो 4 प्लस 1 तो 5 हमारे पास x की वैल्यू आ गई. अगेन ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करेंगे पार्ट. इस पार्ट में हम क्या करेंगे? x प्लस एक्स. x की वैल्यू क्या है? 2. 2 प्लस 2 तो दैट विल बी 4. यहाँ तक तो 4 आ गया. अब ये जो हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर है इसका मतलब क्या होता है कि प्लस 1. अब इस वाली एक्सप्रेशन में हमने ये वाली वैल्यू को स्टोर करवाना है यानी कि ऐड करवाना है, तो 4 प्लस 1 5. आफ्टर एग्जीक्यूशन दिस आंसर विल बी 5. नाउ कम ओवर हियर. यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है? हमारे पास यहाँ पर भी हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर और कंपाउंड स्टेटमेंट को उन्होंने कंबाइन करके राइट किया हुआ है. इसको हम किस तरीके से राइट करेंगे? इसको हम एग्जीक्यूट इस तरीके से करवाएंगे कि पहले हम करेंगे x y को 5 इस वाली वैल्यू में प्लस करवा देंगे. जी अब हमारा क्या होगा? पहले हम इस y को स्टोर करवाएंगे, इस y को स्टोर करवाएंगे इसके अंदर. सो ये y क्या हो गया? 3. अब 3 और ये प्लस एज इट इज़ आ गया और प्लस प्लस y आ गया हमारे पास. इस प्लस प्लस y का मतलब क्या है कि y की वैल्यू 3 थी, उसमें प्लस कर दे 1, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 4. और ये हमारे पास 3, तो 3 प्लस 4 7. अगेन आई एम रिपीटिंग. देखिए x इक्वल टू x प्लस ब्रैकेट में प्लस प्लस y मीन्स कि ये वाला जो y होगा वो इस वाले y के इक्वलेंट होगा. ये वाला y की वैल्यू क्या है? वैल्यू 3 है,
3 इक्वल टू 3, अब y की वैल्यू क्या हो गई 3। अब हम इसको अगर कंपाउंड स्टेटमेंट है इसको हम सिंबल वे में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 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 y। तो मैंने लिख दिया 3 प्लस 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 y। प्लस प्लस y का मतलब क्या होता है कि 3 में 1 को प्लस कर देंगे। जब हम 3 में 1 को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 4, और ये 3 एज इट इज आ जाएगा। लास्ट में हम इनको इन दोनों को प्लस कर देंगे 3 प्लस 4 दैट इज 7। ठीक है बेटा, आपने इन सारे एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करनी है। ये हमारे पास बोर्ड में बहुत दफ़ा रिपीट हो चुके हैं, आपको इनको एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है, इनका आउटपुट फाइंड आउट करना पड़ता है, और ये MCQs भी बहुत दफ़ा रिपीट हुए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम और ज़्यादा कुछ जानेंगे सी लैंग्वेज के बारे में। टिल दैट वी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।